अपने लक्ष्य से पीछे चल रहे, अपने तय समय सीमा से आगे निकला ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा, ये थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखकर लगता है कि अभी इसे और समय लगने जा रहा है। आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना से 96 किलोमीटर की दूरी पर लेकर चलते हैं। ये वो जगह है जहां पर एशिया वाइडेस्ट 6 लेन ब्रिज का निर्माण चल रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हम अभी मोकामा में 6 लेन ब्रिज का काम चल रहा है गंगा नदी पर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अभी काम उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। काम की रफ्तार धीमी हो गई है, या यूँ कह ले कि काम रुक गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए। बिहार की राजधानी पटना को जोड़ता है ये प्रोजेक्ट बेगूसराय से। पहले राजेंद्र सेतु की मदद से, जिसका निर्माण 1959 में हुआ था, उसकी मदद से आना जाना करते थे, लेकिन फिलहाल बड़ी गाड़ियों के लिए उस पुल को ही फिलहाल बंद कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों का परिचालन उस पर होता है और नीचे ट्रेन का परिचालन होता है। राजेंद्र सेतु के बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में नए रेल पुल का निर्माण चल रहा है और पूरब दिशा में नए 6 लेन रोड ब्रिज का निर्माण चल रहा है। 1.865 किलोमीटर इस पुल की लंबाई होगी। गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल की लंबाई लगभग 1.9 किलोमीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर से कुछ कम होगा। अगर इसके अप्रोच रोड की बात करें तो अप्रोच रोड इसका 8.15 किलोमीटर होगा, यानी कि टोटल इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेट होगा। ये पुल शुरू हो रहा है मोकामा के औंटा घाट जिसकी दूरी बिहार की राजधानी पटना से 96 किलोमीटर है, और बेगूसराय ज़िले में ये सिमरिया में कनेक्ट होगा। मोकामा में जो 6 लेन ब्रिज का निर्माण चल रहा है, उसका निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। यहाँ पर देखते हैं औंटा टू सिमरिया प्रोजेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है औंटा टू सिमरिया प्रोजेक्ट। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर इसके सुपरस्ट्रक्चर को कास्ट करके ये रखा गया है। 6 लेन ब्रिज है चूँकि इसका, तो ये सुपरस्ट्रक्चर को कास्ट करके यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम आपको ब्रिज पर से दिखा रहे थे, और यहाँ पर ये सबका निर्माण तिथि 13/3/2021, जो सुपरस्ट्रक्चर है 24/8/2020, इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। हम बढ़ रहे हैं और ये वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट का जो पाइप है ये यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी है और इस तरफ भी रखा हुआ है। ये वाटर लिफ्टिंग का पाइप यहाँ पर रखा हुआ है, ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये इनका कास्टिंग यार्ड है जहाँ पर सुपरस्ट्रक्चर कास्ट होता है, ये कास्टिंग यार्ड है ये। इस पुल के बन जाने से कनेक्टिविटी के मामले में बिहार और थोड़ा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी पुल पे परिचालन नहीं है राजेंद्र सेतु पे बड़ी गाड़ियों का, तो काफ़ी घूम करके बड़ी गाड़ियों को बिहार की राजधानी पटना में प्रवेश करना पड़ता है या फिर वहाँ से उधर जाना पड़ता है। बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन रोड का निर्माण चल रहा है। पटना से बख्तियारपुर तो बन चुका है, वो तो चालू है ऑलरेडी, तो आपको पता ही है, लेकिन बख्तियारपुर से पटना 4 लेन रोड का निर्माण चल रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से पुल का निर्माण चल रहा है, मुझे लगता है कि अप्रोच रोड के बनने के पहले पुल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन परिचालन शुरू नहीं हो पाएगा अप्रोच रोड की वजह से। 3 रेलवे लाइन है जिस पर से गुजर करके इस पुल को आगे बढ़ना है, इसके अप्रोच रोड को आगे बढ़ना है औंटा की तरफ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। खैर क्या होगा वो तो समय बताएगा। हाँ, एक चीज़ है कि इसके निर्माण से पटना से पूर्णिया का सफ़र आसान हो जाएगा, इसके निर्माण से पटना से खगड़िया का सफ़र आसान हो जाएगा, आना जाना दोनों तरफ से आसान हो जाएगा, लोगों को काफ़ी सहूलियतें मिलेगी, एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी लोगों को।
जो अभी कट सा गया है। ऑन स्पॉट जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। ये तो एक पुल का डिटेल हुआ, वाइडेस्ट पुल है, एशिया का वाइडेस्ट पुल है ये। 6 लेन पुल का निर्माण चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक बात कहें तो आपको एक जानकारी दे दें, यहाँ से आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ये देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ से 6 लेन ब्रिज का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, मोटा टू सिमरिया। दूसरा जो राजेंद्र सेतु है, जिस पे अभी आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी, रेड और ग्रे कलर का, ये देख सकते हैं बीच में ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी। 6 लेन ब्रिज, फिर इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वाटर लिफ्टिंग प्लांट जो यहाँ से गया राजगीर खींच करके पानी को लेकर जाएगा, जो वो आपको सामने दिख रहा है ब्लू वाला जो है। उसके बाद राजेंद्र सेतु है, जिसपे ट्रेन क्रॉस करता हुआ आपको दिख रहा होगा, और राजेंद्र सेतु के बगल में आपको रेल ब्रिज का निर्माण जो चल रहा है वो है। तो ये जो सिमरिया घाट है, सिमरिया घाट तक ये सब जो काम चल रहा है, मोकामा के तरफ जो काम चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। सामने ट्रेन आपको जाती हुई दिख रही होगी, ये देख सकते हैं कि ट्रेन गुजर रही है। तो 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ये 3 प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है, और एक जो पहले से राजेंद्र सेतु है, सिमरिया पुल है, वो तो है ही। पहला ये कि ये 6 लेन ब्रिज का काम यहाँ पर चल रहा है, ये देख सकते हैं 6 लेन ब्रिज का काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरा वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसके बाद राजेंद्र सेतु, उसके बाद रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंसान का प्यार, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।